नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सीएम नीतीश कुमार के काफिले के साथ अजीबोगरीब घटना हो गई। जी हां, घटना हुई या फिर संयोग बस, ये आप पहले पूरी खबर देखिएगा तो समझिएगा। तो आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गई, जहां पर खड़े हुए थे नीरज कुमार। नीरज कुमार जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और उनके साथ थे विनय चौधरी। विनय चौधरी विधायक हैं जेडीयू के। तो ये दोनों खड़े थे और वहां पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी रुक गई अचानक, और उन्होंने उनसे बातचीत की। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार का काफिला निकल गया आगे के लिए और रास्ता बदल के। तो ये चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार ने अपने विधायक का पीठ ठोकने के लिए गाड़ी रुकवाई। जी हाँ, विनय चौधरी जो साथ खड़े थे नीरज कुमार के, और इन दोनों को देखकर नीतीश कुमार की गाड़ी रुक गई थी। और ये दोनों सदस्य गदगद भी हैं कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार खुद उनसे मिलने के लिए उन्होंने गाड़ी रुकवा दी और उनसे बातचीत की। सदन के अंदर का ये वाक्या है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और विनय चौधरी भी आज चर्चा में है। दरअसल विनय चौधरी ने सदन के अंदर तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पिछले दिनों ये खुलासा हुआ था कि तेजस्वी यादव श्रेयसी सिंह के साथ पढ़े हुए हैं, और श्रेयसी सिंह दिल्ली के आर के पुरम डीपीएस में पढ़ती थी, यानी तेजस्वी यादव भी दिल्ली में पढ़ाई करते थे आर के पुरम में। तेजस्वी यादव ने खुद ये बात की चर्चा भी की थी सदन के अंदर कि वो श्रेयसी के साथ बैचमेट रहे हैं, और श्रेयसी सिंह ने सदन के बाहर आकर ये बताया भी था कि तेजस्वी यादव उनके साथ पढ़े हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ पढ़े हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और आज सदन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा भी कि वो और उनके 9 भाई बहन जो हैं सभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और उन्होंने कोई शिक्षा का यू कहें कि जिस तरह से डिग्री में घोटाले की बात है, तो उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। और बल्कि तेजस्वी यादव ने सवाल ये खड़ा कर दिया कि पीएम मोदी के पास डिग्री है तो अपनी डिग्री वो दिखाएं। तो ये तमाम जो सवाल उठे, विनय चौधरी जो जेडीयू के विधायक हैं उन्होंने सदन में ये सवाल उठाया, उनके जवाब में तेजस्वी यादव ने खड़े होकर ये तमाम बातें कही। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विनय चौधरी के सवालों से खुश थे और उन्होंने गाड़ी रोक के एक तरह से उन्हें अपना आशीर्वाद दिया कि विनय चौधरी ने बड़ी बात कही सदन के अंदर। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप खुद से विनय चौधरी और नीरज कुमार, जिनको जिनसे मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी गाड़ी रोक दी, तो सुन लीजिए आप। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं हम, और माननीय विनय चौधरी जी जिन्होंने आज सदन में विपक्ष के नेता के शैक्षणिक योग्यता का पर्दाफाश किया, और कैसे फर्जी बयानबाड़ा दिया जाता है। अब देखिए, इलेक्शन एफिडेविट में कहते हैं शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं, और सदन में कभी बोलते हैं कि आर के पुरम में पढ़े हैं, तो कभी सरकारी विद्यालय में। अरे कहाँ पढ़े हैं ये तो अलग विषय है। इसी संदर्भ में हम लोग की बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी इधर आ गई, बस इस एक संजोग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, क्या मुख्यमंत्री से बातचीत भी कुछ हुई? अरे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग तो बचपन से। विनय जी, क्या आज मुख्यमंत्री शाबाशी दे रहे थे आपको? नहीं, शाबाशी की बात नहीं थी, हम दोनों भाई खड़े होकर के बात कर रहे थे, तो वो आकर के एक मिनट के लिए हम लोगों का हालचाल पूछ लिए। ये तो नीतीश कुमार जी ही जैसे व्यक्ति हैं जो कि हम लोगों जैसे अदना से व्यक्ति के लिए भी गाड़ी यहाँ पर ला करके हम लोगों से बात करते हैं, ये साधारण सी बात नहीं है। वह यह चीज़ नीतीश कुमार ही जी कर सकते हैं। दूसरा तो गए मारो धक्का अपने MLA को करते थे और अपने MLC को करते थे, या नीतीश कुमार जी ही जैसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। मतलब आपसे मुलाकात, आप लोगों से बातचीत करने के लिए, आपको शाबाशी देने के लिए मुख्यमंत्री जी गाड़ी घुमा लेते हैं, आपको शाबाशी देके फिर वापस चले जाते हैं? इसमें शाबाशी नहीं, नीरज भाई जी से हालचाल पूछने के लिए उन्होंने। तो नीरज कुमार और विनय चौधरी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने उनसे बात की और कहा, और एक तरह से कहा जाए कि ये संयोग बस हुआ है, उनका कहना है, कोई उनसे मिलने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। हालांकि नीरज कुमार जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार जी जो है शायद विनय चौधरी ने जिस तरह का सवाल खड़ा किया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो उन्होंने सदन में रंग जमा दिया,
तो शायद नीतीश कुमार इसीलिए गाड़ी रोककर उन्हें शाबाशी देने आए थे, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो खैर जो भी हो, बात वाकया है, चर्चा हुआ और सदन में ये तस्वीर भी सामने आई सदन के बाहर की कि किस तरह से नीतीश कुमार की गाड़ी अचानक घूमी और इन दोनों MLC जो हैं और विधायक हैं उनके पास आकर रुक गई और उनसे बात करने के बाद नीतीश कुमार आगे बढ़े, तो चर्चा का विषय है। और आपको बताएं नीरज कुमार के बारे में, वो लगातार लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते रहे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करते रहे हैं और कई तरह के घोटाले का खुलासा भी करते रहे हैं। तो आज ये मौका उनके लिए खास हो गया कि विनय चौधरी जो JDU के विधायक हैं उन्हें रोक कर खुद CM नीतीश ने शाबाशी दी कि उन्होंने सदन में अच्छा सवाल खड़ा किया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।